उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत मुझे इस्लाम भी देता है, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वही इस्लाम तुमको वालदेन की ख्वाहिशात और इज्जत करने के दरस ही देता? कहां लिखा है कि तुम अपने बूढ़े वालदेन की आंखों में और सर में धूल झोंक के अपनी मनमानी करते फिरो? इस मामले में मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा और अपना फैसला मैं आप लोगों को सुना चुका। तो फिर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, अभी और इसी वक्त निकल जाओ वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं खालू जान? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज है, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत। जीती रही बेटा, मुझे इस बात पे फख्र है कि आपको मामलात की नजाकत को समझने की सूझबूझ है, वरना आजकल के जमाने में लड़कियों को खानदानी अकदार की कोई तमीज नहीं। बेफिक्र रहें चांदनी, आपकी या इस घर की बेइज्जती कभी नहीं होने देगी। अनाया, तुम्हें हो क्या गया था? मेरे इतने समझाने के बावजूद तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस बेवकूफी का हमें कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता? और नहीं तो क्या? अरे इसी बेशरम की वजह से मुझे इतनी बातें सुनने को मिली है, क्या बताऊं? शफीक भाई ने इतनी बातें सुनाई कि मेरे शर्म के मारे सर झुक गया, और वो भी इसी की वजह से, इसी की वजह। खालू जान इतने गुस्से में थे, खाला जान ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की ना तो उन्हें भी घर से निकल जाने को कह दिया, और वो अलीना बीबी वो अनाया साहिबा आप पे बातें बना रही थी, कह रही थी कि साहिर अब उसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। लो वो भी बन लो, सब कुछ कहने के काबिल हो गई है। सच्ची कहा है किसी ने कि अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। ये सब तो इसे सोचना चाहिए ना, इसकी वजह से मुझे कितनी बातें सुनने को मिली है। वो तो शुक्र है मैंने सब बातें संभाल ली वरना। अरे बेटा तुम्हारे झूठ पे किसी को शक तो नहीं हुआ? अब अम्मी आपकी बेटी इतनी भी बेवकूफ नहीं है, आखिर 16-17 साल से उस घर पे राज कर रही हूँ मैं। अरे थोड़ी सी अकल इस बेवकूफ को भी दे दी होती, पता नहीं ये किस पे चली गई है। बेवकूफ साहिर से शादी करने चली है। दो टके की औकात नहीं है साहिर के उस घर में, वो तो एक मैं हूँ जो उसकी खामियों पे पर्दा डाल देती हूँ। अपना खर्च तो उठा नहीं सकता, तुम्हें कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा? मैं उसकी इस हरकत के बाद उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। आप भी कम से कम आप तो ऐसे ना कहें, वो आपके बारे में क्या सोचता है? उसे अगर पता चला कि आप उसके बारे में ऐसा कह रही हैं तो क्या सोचेगा? इसलिए तो बोल रही हूँ अनाया, उस पे थोड़ा तो दबाव डालो ताकि वो अपने बाबा को यहाँ लाए तुम्हारे रिश्ते के लिए। आखिर मोहब्बत में सारी कुर्बानियां तुम ही क्यों दो? जानती हूँ मैं उसे, मेरे लिए वो कुछ भी करेगा। तो यही वक्त है अपनी मोहब्बत की ताकत को इस्तेमाल करने का, देखो तो सही वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। और हाँ, अगर तुम उसके घर छोड़ने वाली हरकत में जरा भी खुशफहमी का शिकार हो तो बिल्कुल मत हो, क्योंकि वो भी सिर्फ मेरी सपोर्ट की वजह से हुआ। अगर आज हाथ खींच ना तो कल को वो फुटपाथ पे आ जाएगा, फिर देखती हूँ कहाँ जाती है उसकी मोहब्बत। मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत में वो कुछ भी कर सकता है। हाँ तो उसे बोलो ना कि सबके सामने तुम्हें इज्जत के साथ ब्याह के लेके जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो याद रखना तुम्हें कभी भी उस घर में वो मुकाम नहीं मिलेगा जो मुझे हासिल है। अम्मी आप इसे समझाएं ना, आप खाला जान अलीना की बातें सुने जाके क्या क्या बातें कर रही हैं इसके खिलाफ। अगर साहिर अपने बाबा को यहाँ ले आता है इसके रिश्ते के लिए तो सबका मुंह खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। चांदनी 16 में सच कह रही है, अभी वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है, उसे इस्तेमाल करना सीख। जज्बाती हो के मत सोचो, मोहब्बत तो मिल जाती है लेकिन इज्जत नहीं। अरे कमबख्त, तेरी वजह से खिरत का पलड़ा भारी हो गया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। देखा मम्मी कैसा दाना फेंका है मैंने, अब देखिएगा दोनों अपने ही जाल में फंस जाएंगे।
अरे अक्लमंदी में तो अपनी नानी पे गई है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को, वो तो शिकारी पे ऐसे जाल फेंकती थी कि वो तो उसमें तड़प तड़प के मर जाता था। लेकिन ये साहिर कमबख्त से, अब तुम जान छुड़ाओ किसी तरह। मैं तो पहले ही राजी नहीं थी, वो तो तुम्हारी जिद थी कि मैं अनाया को अपनी देवरानी बनाऊंगी। वैसे शफीक भाई की बातों से मेरा दिल खट्टा हो गया। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? देखती जाए मैं क्या करती हूँ। अनाया इस रिश्ते से एक दिन खुद इनकार करेगी, देखिएगा। अरे शमशा तो कब से कह रही है, लेकिन ये माने तो ना, इतना अच्छा रिश्ता है, इसके तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर मेरी वजह से सब खराब हुआ है तो सब सही भी मैं ही करूं। तुमने बहुत अच्छा किया इस घर को छोड़ के, वरना रोज ही खालू जान तुम्हें इस घर में रहने के ताने दिया करते थे। तुमने उनका गरूर तोड़ दिया इस घर को लात मार के। बाबा जान ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी जिंदगी का फैसला उन्होंने ऐसे कर दिया जैसे मैं घर में पड़ी हुई कोई फालतू चीज हूँ। फालतू नहीं, ना कह रहा, फालतू की तो फिर कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती। इतनी नफरत करते हैं वो तुमसे कि जरा सी गलती पे उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया, और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मुझे भी डांट दिया उन्होंने। इसीलिए मुझे उनकी बातों से इख्तलाफ है, वो नहीं चाहते कि इस दुनिया में कोई भी उनके अलावा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। अपनी मर्जी नहीं, सिर्फ अलीना की खुशी की खातिर उन्होंने तुम्हें कुर्बान कर दिया, जैसे बेटे की तो कोई इज्जत ही ना हो। हाँ तो ठीक है ना, अगर उन्हें अपनी बेटी अजीज है तो रखे उसे, मुझे भी अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बस अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पलड़ा भारी है, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं करवा दूंगी, और जैसा मैं कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं जब तक खालू जान तुम्हें खुद मनाने ना आए, उन्हें भी तो एहसास हो अपनी गलती का। और हाँ, मैं तुम्हें कल कुछ पैसे भिजवाती हूँ। थैंक यू भाभी। खाला जाना आपने बुलाया? हाँ बेटे, वो साहिर से बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? जी खाला जान, लेकिन वो ना ही घर आने को तैयार है और ना ही माफी मांगने के लिए। बेटे समझाओ ना उसको, वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात मानेगा? नहीं खाला जान, इस बार वो मेरी भी बात नहीं मान रहा, जिद पे अड़ा हुआ है। और ठीक ही तो है, खालू जान भी तो उसके साथ कितनी ज्यादती करे, आखिर इस खिरत में कौन से सुरखाब के पड़ लगे हुए। लेकिन साहिर ने भी तो बहुत जल्दी की ना, कुछ तो मुझे वक्त देता, मैं शफीक अली को समझा लेती, मना लेती। कैसे मना लेती हैं आप खाला जान? आपको भी तो कितनी दफा वो इस घर से निकल जाने को कह चुके हैं, उस दिन तो मैं सुन के सकते में आ गई। कितने सफाक हो गए हैं खालू जान। बेटा वो सफाक नहीं हुए, अपनी भांजी की मोहब्बत में बावले हो गए। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम मुझे शैला के पास ले चलोगे, मैं अनाया से कहूंगी कि वो साहिर को समझाए। अम्मी तो बहुत गुस्से में है खाला जान, वैसे मैंने उन्हें कह दिया था कि इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन एक बहन का दूसरी बहन से गिला करना तो बनता है ना। मैं ही बदनसीब हूं कि किसी एक रिश्ते को भी ना निभा पाई, इकलौती बहन नाराज हो गई और बेटा घर छोड़ के चला गया। अरे खाला जान आप इस तरह परेशान ना हो, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं अम्मी से बात करूंगी। आप इस तरह परेशान होंगी ना तो आपका बीपी शूट हो जाएगा। तो और क्या करूं, आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्ते रेत की तरह मेरे हाथ से फिसलते चले जा रहे। तो इस सब में आपका क्या कसूर, इस घर पे तो वैसे भी नहुसत का साया छा गया, अब अल्लाह ही खैर करे। अरे खुदा गारत करे उस खैरत को, मेरे घर का सुकून तहो बाला करके रख दिया है उसने। अच्छा बस खाला जान, अब आप फिक्र ना करें, दफा करें उसे।
ना जाने खालू जान को उसमें ऐसा क्या नजर आ गया। बेटा भी घर छोड़ के चला गया, लेकिन अब तक उसकी मोहब्बत के गुण गा रहे हैं। अल्लाह जाने क्या माजरा है। मैं बात करके रहूंगी शफीक अली से, लेकिन उस नहुसत की पोटली को मैं इस घर में नहीं ला सकती। चाहे शफीक अली मुझे इस घर से निकाल दे, मुझे तलाक दे दे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो इस घर में नहीं आएगी। खाला जान, क्या बात है, क्यों आए हो? मुझे अनाया से बात करनी है खाला, उसका फोन ऑफ जा रहा है। क्यों, कोई कसर बाकी रह गई है जिसे पूरी करने आए हो? प्लीज खाला, एक बार मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। प्लीज खाला। कौन है मामा? कोई नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। अनाया, अनाया क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरा फोन क्यों अटेंड नहीं कर रही हो? कब से कॉल्स कर रहा हूं मैं तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें? अनाया तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? खाला प्लीज मुझे एक बार उससे बात करने दे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा क्यों कह रही हो अनाया? क्योंकि मैं गलत थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और बजाय इसके कि तुम मुझे एहसास दिलवाते, तुमने मुझे जलील करके रख दिया, और वो सब तुमने बिल्कुल जानबूझकर किया। ये तुम कह रही हो अनाया? हालांकि मैं तुमसे अभी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, और अगर मोहब्बत करते तो मेरी इज्जत का ख्याल करते, मुझे यूँ कोर्ट कचहरी की जीनत ना बना, और कम से कम अपने घर वालों की जबानें तो बंद करते। समझते क्या है वो कि जो उनके दिल में आएगा कहकर चले जाएंगे हमें, और हम चुप रहेंगे आगे से। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? किसने क्या कहा है तुमसे? तुम्हारे बाबा आए थे और धमकी देकर गए हैं कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होने देंगे। ऐसा बाबा ने कहा तुमसे? जबकि मैं तो अपना घर छोड़ चुका हूँ, वो भी तुम्हारी खातिर। अनाया, मैं किसी भी कीमत पर सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, चाहे कोई राजी हो या ना हो। लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी जब तक कि तुम्हारे बाबा आकर यहाँ पर माफी नहीं मांगते। लेकिन अनाया, सब में मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से होगा। अगर तुम अपने बाबा को ला सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला सकते तो मेरे और अपने रास्ते अलग समझो। अनाया, अनाया प्लीज मेरी बात सुनो। खाला ये क्या कह रही है अनाया? क्यों कर रही है ऐसा आप? प्लीज समझाएं ना उसे। क्यों समझाऊं, वो ठीक ही तो कह रही है। अरे खाली पेट तो गुजारा हो जाता है, लेकिन इज्जत के बगैर नामुमकिन। और मेरी अनाया इतनी गिरी पड़ी लड़की नहीं है कि तुम्हारे बाबा ने आके उसकी इतनी बेइज्जती की। लेकिन खाला आप किसी और के की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? इसलिए कि जब तक शफीक भाई अनाया का रिश्ता नहीं मांगेंगे, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करूँ, और ना अनाया ऐसा चाहेगी। उसकी जिद से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, एक बात जो उसके दिमाग में आ जाती है तो वो उसे पूरा करके रहती है। अब तुम देख लो क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम अपने बाबा को ला सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला सकते तो मेरे और अपने रास्ते अलग समझो।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नहीं जानता कि साहिर को मर चुका है वो हमारे लिए। मैंने कह दिया साहिर मर चुका है। देखा आपने, शुरू हो गया आपके बेटे साहब के ड्रामे। दो दिन घर से बाहर रहे हैं और औकात याद आ गई। लेकिन मैं बता रहा हूं, अब कोई उसकी बातों में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साहिर! अरे तबस्सुम बेगम, संभालिए अपने आप को भाई, क्या कर रही हैं आप? अम्मी जान उठिए, दवाई खा लें। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा बच्चा मौत के मुंह में है और मैं यहां। तुम्हारे बाबा और कितना जुल्म करेंगे मेरे ऊपर। अम्मी आप परेशान मत हो, मेरी साहिर से बात हुई है, वो अब ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी, कल वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज तो हो जाएगा वहां से, लेकिन जाएगा कहाँ? घर में तो उसे आने की इजाजत है नहीं ना। सितम जरीफी देखो किस्मत की, घर होते हुए मेरा बच्चा दर बदर। अम्मी जान आप ज्यादा मत सोचें, क्यों डिप्रेशन में अपना बीपी हाई करना चाह रही हैं? भाभी बाबा जान से बात करने गई हैं, मुझे यकीन है कि वो बाबा जान को मना लेंगी। क्या वाकई तुम सच कह रही हो, तुम्हारे बाबा जान मान जाएंगे? जी अम्मी जान, अब जल्दी से ये दवाई खा लें, मुझे बाबा जान के लिए कॉफी भी बनानी है। अरे बेटा, अगर तुम्हारे बाबा जान मान गए ना, तो मैं अपने बेटे को घर ले आऊंगी। खालू जान, आप मसरूफ तो नहीं थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बोलो बोलो। वो दरअसल खालू जान, इंशाल के स्कूल से फोन आया था, उसके प्रिंसिपल ने बुलाया। तो खैरियत? जी बुलाया तो उन्होंने नईम को था, अब नईम तो है नहीं और खाला जान की तबीयत की वजह से मैं जा नहीं पाऊंगी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं चला जाऊंगा। और कुछ? और खालू जान, अगर आपको जहमत ना हो तो आप आते वक्त मेरे बैंक से मेरी चेक बुक ला सकते हैं, एक्चुअली उनका दो तीन दफा फोन आ चुका है मुझे। अरे बेटा मुझे बिल्कुल जहमत नहीं होगी, आप क्यों हिचकिचाती हैं मुझसे कहते हुए? आपको कोई भी काम हो मुझे बता दिया कीजिए। वो तो ठीक है खालू जान, लेकिन आप मसरूफ ही इतना होते हैं कि मुझे आपको तंग करते वक्त बहुत शर्मिंदगी होती है, बात करना तो दूर। देखिए बेटा, मैं जितना भी मसरूफ हूँ, आपके और इंशाल के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है, तो आइंदा ऐसी बात ना कीजिएगा। जी अच्छा खालू जान, इसका मतलब आप कल जा रहे? हाँ हाँ, मैं कल चला जाऊंगा। वो खालू जान, मुझे आपसे एक और भी बात करनी है। बोलो। खालू जान मैं जानती हूँ कि साहिर के घर से चले जाने की वजह से आप बहुत परेशान हैं। जाहिर है आपको परेशान होना भी चाहिए, साहिर ने आपकी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस मसले को सुलझाने की कोशिश करूं। लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? साहिर ने तो तुम्हारी बहन। खालू जान मैं इस घर की बड़ी बहू और इस घर की इज्जत और नामूस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस घर में किसी भी फर्द को परेशान नहीं देख सकती। और रही बात अनाया की, तो आप जानते हैं कि साहिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके आता, अम्मी ने इस बात पे उसे बहुत डांटा भी है। बेटा अल्लाह आपको खुश रखे, अगर आप समझती हैं कि वाकई आप इस मसले को सुलझा सकती हैं तो जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आप बेफिक्र रहें, आपको आपका फैसला बदलने पे कोई मजबूर नहीं करेगा, आप मुझ पे यकीन रखें, इस घर में खैरत ही दुल्हन बन के आएगी इंशाल्लाह। आई एम सॉरी साहिर, मैंने खालू जान को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं, उन्हें वाकई अपने बेटे से ज्यादा अपनी अना अजीज है। और अम्मी जान, उन्होंने ही बाबा से बात नहीं की? देखो साहिर,
मैं सच कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी संगदिल माँ नहीं देखी। बजाय इसके कि वो खालू जान को उनकी गलती का एहसास दिलवाएं, वो उल्टा उन्हीं का साथ दे रही हैं। मुझे एटलीस्ट अम्मी से ही उम्मीद नहीं थी। हाँ तो वो क्यों तुम्हारी खातिर अपनी शाहाना जिंदगी छोड़ने लगी? जिंदगी मुझे किस मुकाम पर ले आई है भाभी? अपनों के कितने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इसी का नाम जिंदगी है साहिर। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मुझे किसी का इतना दुख नहीं है भाभी, लेकिन अनाया ने मुझे बहुत हर्ट किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी मोहब्बत उसके लिए पछतावा कैसे हो सकती है। देखो साहिर, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना सगा भाई समझा। मुझे तुम्हारे लिए भी बिल्कुल उतनी ही तकलीफ महसूस होती है जितनी अनाया के लिए। अनाया है तो मेरी बहन, लेकिन लेकिन क्या भाभी? आप प्लीज जो भी बात है खुलकर करें। देखो साहिर, तुम तो जानते हो अनाया बहुत जज्बाती है, अपनी जिद पे अड़ जाती है। अब देखो ना, वो चाहती है कि खालू जान उसे अपने रवैये की माफी मांगे जाके। भला ये मुमकिन है? और उसने तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी की भी परवाह नहीं की, तुमने उसकी खातिर अपना घर छोड़ दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या कह दिया? यही कि अगर तुम खालू जान को उसके पास नहीं लेके जाओगे तो वो तुमसे शादी भी नहीं करेगी। लेकिन अनाया ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे देखो साहिर, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो जज्बाती है, वो अपनी जिद में कुछ भी कर सकती है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद जाके उससे बात कर लो। ये सब मुझे उसने खुद बताया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, ऐसा कैसे कर सकती है अनाया? मैं चले ठीक है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। अब आएगा मसा। अनाया ऐसे कैसे कर सकती है? चांदनी बेगम जो चाहे वो करवा सकती है। साहिर कभी भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, और ना ही शफीक भाई तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। तुम कब तक इंतजार करोगी? मैं करूंगी उसका इंतजार, मुझे यकीन है कि वो अपने बाबा को लाएगा। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारी शादी खिरत से नहीं बल्कि वहीं होगी जहाँ तुम चाहोगे। और मैं अब खिरत के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, और यही मेरी मर्जी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो गलत हो, बहुत गलत। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दादी